हर साल लाखों एस्पिरेंट्स यूपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने का फैसला करते हैं, लेकिन इस फैसले के साथ सबसे पहला और मुश्किल सवाल ये आता है कि आखिर तैयारी के लिए घर पर ही रहें या दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में जाकर इसकी तैयारी की जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एस्पिरेंट के मन में आता है। हम हर साल ऐसे कई एस्पिरेंट्स देखते हैं जो घर पर रहकर ही तैयारी करते हैं और यूपीएससी परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल भी होते हैं। वहीं अगर बात किसी बड़े शहर में जाकर तैयारी की जाए तो कई टॉपर्स की ओर से यह सलाह दी जाती है कि सही गाइडेंस के लिए एस्पिरेंट्स को कोचिंग का सहारा ही लेना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर यूपीएससी की तैयारी के लिए घर से ही तैयारी करें या दिल्ली आकर। दोस्तों, अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल आ रहे हैं तो हमारी आज की वीडियो पूरी जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर घर से तैयारी करने के क्या फायदे होते हैं। हर साल देखा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी ज्यादातर गांव के या छोटे शहर से आने वाले एस्पिरेंट्स ही करते हैं। ऐसे एस्पिरेंट्स के मन में यह सवाल आना काफी नॉर्मल है कि उन्हें किसी बड़े शहर में जाकर तैयारी करनी चाहिए, जिससे वे परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य एस्पिरेंट्स को कड़ी टक्कर दे सके। लेकिन ये उनकी गलती होती है। यूपीएससी के लिए कई तरह के मिथ्स फैलाए गए हैं, ये उनमें से एक है। यूपीएससी में सफलता के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े शहर में जाकर रहें और तैयारी के लिए महंगी कोचिंग लें। आप घर पर रह के भी अच्छे इंटरनेट की मदद से तैयारी कर सकते हैं। किसी बड़े शहर में जाकर वहाँ के रहन सहन को सीखने में एस्पिरेंट्स को समय लगता है और कई बार देखा जाता है कि वे वहाँ नहीं रह पाते, जो उनकी तैयारी पर बुरा असर डालती है। इसलिए एस्पिरेंट्स को घर से ही तैयारी करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कि एस्पिरेंट्स को दिल्ली तैयारी के लिए क्यों आना चाहिए। कई टॉपर्स की ओर से नए एस्पिरेंट्स को सलाह दी जाती है कि तैयारी के लिए उन्हें किसी टॉपर की मदद लेनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें दिल्ली या किसी अन्य बड़े शहर में जाने की सलाह दी जाती है, जिसकी मदद से उन्हें सही गाइडेंस मिल सके और उनकी यूपीएससी की तैयारी सही दिशा में जा सके। इसके अलावा दिल्ली आने से एस्पिरेंट्स को परीक्षा का माहौल भी मिलता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में रहने से आपको कई एस्पिरेंट ऐसे मिल जाएंगे जो यूपीएससी या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनके साथ आपको नई नई चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा और तैयारी के लिए सही दिशा भी मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली शहर में आपको पढ़ने के लिए जरूरी किताबें आसानी से मिल जाएंगी, जो आपकी तैयारी में बेहद काम आएंगी। दोस्तों, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप परीक्षा के लिए घर में रहने का फैसला करते हैं या दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में जाकर अपनी तैयारी करते हैं। ये बात पूरी तरह से आप पर निर्भर करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।